हर महादेव मित्रों, देवाधिदेव महादेव भक्त वत्सल हैं। उनके भक्तों की सूची में स्वयं विराट रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से लेकर सुदूर जंगलों में बसे अति सूक्ष्म जीवाणु तक शामिल है। शिव को भोलेनाथ के नामों से भी जाना जाता है, जो उनके भक्त वत्सल होने का प्रमाण है। वे ऐसे ईश्वर हैं जो अपने भक्तों की जरा सी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भक्त वत्सल भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन भोलेनाथ के कुछ स्वघोषित भक्त उनके इस आचरण से अनभिज्ञ हैं। वे नहीं जानते कि महादेव इसके या उसके नहीं बल्कि सबके हैं। सकल चराचर में वे निवास करते हैं। ईश्वर का वह स्वरूप जो समुद्र मंथन से निकले विष को भी अपने कंठ में स्थान देता है, उसको किसी के मंदिर आने या ना आने से क्या आपत्ति हो सकती है। शिव तो स्वयं प्रकृति में विचरते हैं, तो भला एक मंदिर में आने से शिव भक्तों को रोकना कहां तक उचित है। आइए मित्रों, आपको एक घटना से अवगत करवाएं, जिसमें आपको पाखंड का विभत्स चेहरा दिखाई देगा। घटना तब की है जब भारत अंडर कंस्ट्रक्शन था। नया निजाम, नई जमीन, नए ख्वाबों के साथ भारत आदिम और धुंधले पड़ चुके रिवाजों से निकलने के प्रयास में लगा हुआ था। नई सोच मस्तिष्क में विकसित करने हेतु हर ओर से सभी प्रयासरत थे। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम, जो वर्तमान में झारखंड के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, तब बिहार में हुआ करता था और झारखंड का अस्तित्व तब नहीं था। उस समय श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1953 के सितंबर महीने में गांधीवाद की मशाल को अपने पुष्ट हाथों में थामे विनोबा भावे बिहार के गांव-गांव घूम रहे थे और उनके घूमने का प्रायोजन था प्रसिद्ध भूदान आंदोलन, जिसके तहत जमींदारों से यह अपील की जा रही थी कि वह भूमिहीनों को अपनी जमीनें दान करें। यह आंदोलन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उस वक्त के आंध्रा के तेलंगाना में जमींदारों और भूमिहीनों के बीच एक भीषण खूनी टकराहट देखने को मिल चुकी थी। ऐसे में यह आंदोलन शांति का एक जरिया साबित हुआ। प्रखर गांधीवादी विनोबा भावे बिहार में हरिजन उद्धार जैसे शुभ कार्य से भी जुड़े। यह घटना तब की है। संथाल परगना के एक जिले देवघर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम में दलितों के घुसने पर पाबंदी थी। विनोबा तक जब यह खबर पहुंची, तो उन्होंने तय किया कि वे दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन वैद्यनाथ धाम के पंडों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने विनोबा को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन विनोबा नहीं माने तथा सत्याग्रह पर बैठ गए। जवाब में पंडे मारपीट पर उतर आए। विनोबा के साथ हुई मारपीट जब ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी, तो पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गया। सरकार से जवाब तलब किए गए, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जवाब तो देना था। ऐसे में बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने पंडों को जवाब देने का निर्णय लिया। ऐलान किया कि मैं स्वयं ही आने वाले 27 सितंबर के रोज दलितों के साथ वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कर बाबा भोलेनाथ की पूजा करूंगा। ये बात पंडों के गले से नीचे न उतरी। श्री कृष्ण को कैसे रोका जाए, वे इसी जुगत में लग गए। सरकारी लोगों को श्री कृष्ण को समझाने के लिए भेजा गया, तो वहीं श्री कृष्ण सिंह के बड़े भाई को भी इस मुद्दे पर पंडों ने उनके खिलाफ कर दिया। हालांकि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी श्री कृष्ण सिंह लगभग 700 के करीब दलितों तथा अपने सरकारी कुनबे के साथ तय दिवस को मंदिर पहुंचे और बाबा को भेदभाव के कलंक से मुक्ति प्रदान की। यह वो कलंक था जो बाबा के स्वघोषित भक्तों द्वारा चिरकाल से लगा हुआ था। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक। कमेंट करके हमें अपनी भावनाओं से जरूर अवगत करवाएं और बाबा के बारे में कोई जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आदि देव महादेव से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।